हेलो वालों, तो अरे कैसा है सबके सब बंदे लोग। होपफुली यार सबके सब बंदे लोग अच्छे होंगे। तो भाई लोग यार, वीडियो को स्किप करने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस वाले वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। एंड मतलब जो अपने अपकमिंग जितने भी गाइस वीडियोज होंगे वो सारे के सारे इसी वाले वीडियो पर बेस होने वाला है। तो आपको पहले चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यार वीडियो को 1% भी स्किप मत करना, एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि गाइस वीडियो किस बारे में, तो गाइस वीडियो के अंदर हम एक छोटा सा चैलेंज कम्प्लीट करने वाले हैं। तो गाइस चैलेंज का नाम बिल्कुल ऐसा है कि चैलेंज होने वाला है अपना MP40 को लेकर, ठीक है, कि हमको गेम में ओनली फॉर MP40 यूज़ करना, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा बहुत कॉमेंट्री करेंगे साथ में, एंड अगर आप गेम प्ले इन्जॉय कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा हम इसी वाले वीडियो के अंदर गिव अवे के बारे में बात करेंगे, जो होगा लास्ट के अंदर, ठीक है। एंड इसके अलावा हम इस वाले वीडियो के अंदर भी मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, एंड जो अपना अपकमिंग जितने भी गाइस वीडियोज होने वाले हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वो होगा आगे। तो गाइस हमको मिल चुका फाइनली MP40। तो MP40, ठीक है, MP40 की बात कर रहा हूँ। तो हमको MP40 मिला है, और हम इसका एमओ ले लेते हैं। एंड गाइस इधर से उधर भागेंगे, एंड हमको एक Level 2 का बैग भी मिला है, एंड एमओ मिला है। तो गाइस चैलेंजेस का सिंपल है गाइस, ठीक है, आपके लिए चैलेंजेस बिल्कुल सिंपल लग रहा है कि MP40 तो यूज़ करना है। तो गाइस ऐसा सीन है कि जो आपको जितने सिंपल दिख रहा है ना गाइस, उतना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मतलब जितना सिंपल आपको लग रहा है ना, उससे मतलब डबल नहीं ट्रिपल नहीं, मतलब 10 गुना ज़्यादा हार्ड है ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि गाइस देखो ऐसा सीन है कि ये वीडियो बनाने में, ठीक है, ये जो आपको सामने क्लिप देख रहे हो, ये क्लिप्स मेरा लगभग मतलब मैंने 15 बार, ठीक है, 15 से मतलब कम ही बोल रहा हूँ, 15 से करीब 20 बार गेम प्ले होगा, तो जिसके अंदर मैं इतना सही से खेल पाया। तो गाइस खेलना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मतलब हर एक चीज़ आपके अकॉर्डिंग हो ये मतलब ऐसे पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो हमने को 2 MP40 तो मिल चुका, तो गाइस बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि आप उतरते 2 MP40 मिलना। तो गाइस चैलेंजेस का ऐसा सीन है कि मैंने एक दो वीडियो पहले भी अपलोड करे थे, जैसे कि नॉक गन चैलेंज है एक दो, एंड उन पर इतना खास रिस्पॉन्स नहीं था, तो मैंने वो वाले सीरीज बंद कर दिया था। लेकिन अभी उतना रिसेंटली उतना मतलब उतने सारे टॉपिक्स नहीं है कि जिनको हम कवर कर पाए, एंड उन पर टेली प्रॉपरली वीडियो बना पाए, ठीक है। तो एक बंदे ने मेरे को एक आइडिया दिया है कि आप कोई सा गन चैलेंज करो। तो गाइस मेरे ख्याल से MP40 सबसे स्टार्ट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन मेरे को पता उतना इजी नहीं था मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड बाकी आप मेरे को यदि इस टाइप का वो कंटेंट देखना अच्छा लगता है, तो मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट वाला टॉपिक किस टॉपिक पर आपको ये वाला चैलेंज चाहिए। तो गाइस MP40 का उतना सीन नहीं था मेरे लिए, लेकिन फिर भी मतलब मैं ऐसे इसको कर रहा हूँ, तो बहुत मतलब हार्ड था मेरे लिए, ठीक है। तो चलो यार छोड़ो यार, ये सारी बात हम आगे भी कर लेंगे। तो गाइस हम यहाँ पे क्लॉक टावर पे हमको 2 MP40 मिल चुका है, एंड अच्छा खासा हमको अटैचमेंट भी मिल चुका है, ठीक है, अच्छा खासा अटैचमेंट एंड MP40 मिल चुका है। एंड बंदों का फुटप्रिंट्स आ रहे हैं मेरे को, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एक बंदा होना चाहिए। तो गाइस ये रही चिमकांडी, तो गाइस चिमकांडी को मारेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि गाइस देखो अपने पास MP40 है, शॉर्ट रेंज है, लेकिन लॉन्ग रेंज के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो चलो MP40 यहाँ से Level 2 का 4 ग्रिप, एंड बंदा सामने, बंदे को हेड, बंदा ख़त्म। तो भाई लोग मतलब बहुत OPM को Level 4 का वेस्ट भी मिल चुका है, एंड अपने पास लूट भी आई थिंक एवरेज बहुत ज़्यादा OP हो गया है, ठीक है। लेकिन इसको आप कंप्लीट लूट नहीं बोल सकते, क्योंकि गाइस इसमें आपके पास ओनली फॉर शॉर्ट रेंज है, इसके अलावा आप कोई भी अदर चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, जैसे MP40 के अलावा कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हो। तो अभी यहाँ से बढ़ते हैं आगे। तो गाइस आगे चलने वाले फैक्ट्री की तरफ हमको एक किल मिल चुका है, 26 बंदे अलावा है। तो गाइस देखो चैलेंजेस इसके अंदर ये होता है कि आपको बुइया चैलेंज होता है, कि आपको MP40 लेकर बुइया करना होता है, लेकिन मेरे को मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं इसको टॉप 10 में आ जाऊँगा तो मेरे लिए इनफ होगा, एंड मेरे लिए चैलेंज होगा वो कम्प्लीट होगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो बंदे ने गोली चला रहा है कोई बंदा पीछे से। तो यस गाइस देखो टावर के अंदर बंदा है, एंड बंदा हमको शूट कर रहा है, तो गाइस इस बंदे को मारेंगे ज़रूर से ज़रूर। लेकिन एक बार के लिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं निकल जाऊँ, लेकिन निकलना मैं अपने मतलब रवैये में ही नहीं, अपने खून में ही नहीं है कि हम स्किप कर दें। तो चलो इसको मारेंगे, लेकिन थोड़ा सा इनको कवर लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि गाइस एक गलती मतलब मेरे पास शॉर्ट रेंज है, मैं इसको पलट के फाइट भी नहीं कर सकता उसके साथ, मेरे पास ओनली 4 MP40 है। बंदा करना चाहता है टीम अप, लेकिन मेरे को भाई चैलेंज कंप्लीट करना, तो टीम अप नॉट अलाउड, ओनली 4 MP40 यूज़ कर सकता हूँ, इसके अलावा टीम अप भी नहीं कर सकता मैं। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है मेरे लिए ये वाला चैलेंज, मैंने ले तो लिया है, लेकिन इसको कंप्लीट कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा मेरे को खुद को भी पता नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को खुद को भी कोई आइडिया नहीं है कि मैं टॉप 10 में भी आ पाऊँगा, क्योंकि बस ओनली MP40 मतलब
सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है इस चीज़ के अंदर कि यार आप सोलो खेल रहे हो तो इसमें थर्ड पार्टी से ज़्यादा होता है, ठीक है। थर्ड पार्टी मतलब आप किसी को मार रहे हो, कोई बंदा आके पीछे से मार दे, बस वो सीन नहीं होना चाहिए मेरे साथ। तो यहाँ पे मैंने रस्ट करने का फैसला किया, तो चलो मैं करता हूँ इसके ऊपर बंदे का रस्ट। बंद अभी भी फाइट करना चाहता है, आई मीन टीम अप करना चाहता है, तो मैं इसको ऐसे गाइस धोखा देकर नहीं मारूंगा, ठीक है। इसके साथ टीम अप भी का 1% चांस नहीं लेने वाला, ठीक है। इसके आगे पीछे इसको मतलब ऐसे कन्फर्म होना चाहिए कि बंदा टीम अप नहीं करना चाहता है। एंड आपको इसी के साथ एक ग्लू होल वाला टेक्निक सिखाने वाला हूँ कि देखो गाइस कैसे आप ग्लू होल यूज़ कर सकते हो। तो बंदे ने लैंडमाइन लगाया तो उसको फोड़ो सबसे पहले। एंड यहाँ पे देखो मतलब बहुत अच्छा सीन तो नहीं है, क्योंकि बस उसके पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। एंड बंदा कब से पेन पे पेन चलाया जा रहा है, मैंने अभी भी एक बार भी पेन नहीं किया उसको। मतलब बिल्कुल ये नहीं लगना चाहिए कि यार बंदा अपने पास टीम अप करके वह अपने को धोखे से मारा। तो बंदे को मैं मार रहा हूँ, ठीक है, बंदे को मारूंगा ज़रूर से ज़रूर। एंड फैक्ट्री पे इसके अलावा भी बहुत सारे बंदे हैं, तो सबसे पहले तो बंदे को मारते हैं यार। तो मैं इसके चारों तरफ काफ़ी टाइम से घूम रहा हूँ, एंड मतलब मैं एक सही टाइम का वेट करूँ कि मैं कब ऊपर रश करूँ। उसके लिए मेरे पास ग्लू होल तो है, लेकिन जिसमें एक टेक्निक होता है कि आप इसके ऊपर मतलब टावर पर बैठे वाले बंदे को मार सकते हो। इसके लिए एक टेक्निक होता है कि आप बंदे को सीधा नीचे गिरा दो, ठीक है, ग्लू होल लगा के। तो मेरे ख्याल से मैंने ग्लू होल थोड़ा सही नहीं लगाया, तो बंदे को पीछे से निकल गया था। आप ऐसे बंदे को फंसा के नीचे गिरा सकते हो। तो इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए कभी बना दूंगा, लेकिन पहले आपको यहाँ से देख सकते हो कि मैंने एक ग्लू लगा दिया, बंदा मेरे को यहीं पे पास में दिख रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ बंदे को एकदम चिपका के एंड बंदे को फंसा के आगे बढ़ूँ, लेकिन जो बंदा है अभी भी पेन चला रहा है। मेरे ख्याल से ये पेन चलाने का बस ऐसे बहाना है, इसको मेरे को मारना है। तो यहाँ पे चढ़े एंड बंदा एकदम सेंटर में आ जाएगा शायद, चलो आ गया। हेडशॉट, बंदा ख़त्म। अपने हो चुके दो किल। एंड गाइस ओनली MP40 चैलेंज के अंदर मतलब काफ़ी मज़ा भी आया, काफ़ी फन भी हुआ मेरे साथ, क्योंकि गाइस मैं कम से कम बहुत गेम ट्राई किया, किसी में मेरे को MP40 नहीं मिला, तो किसी के अंदर कुछ ही हो जा रहा था। तो गाइस चैलेंज स्टार्टिंग में कंप्लीट करना मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड था, लेकिन मैं पूरा दिन खेला तो फाइनली मैं ये चैलेंज कंप्लीट करने का सोच रहा था। तो गाइस यहाँ से स्किप करके हम आ चुके हैं सीधा अपने पीक के ऊपर। यहाँ पर मेरे को फाइट देखने मिल रहा था, दो ग्लू होल भी लगे। तो गाइस ग्लू होल OP वाला है, तो बंदा भी पूरा होगा मेरे ख्याल से। तो बंदा दिख नहीं रहा है एंड फाइनली बंदा आया एंड HW का फटका तो दे ही दिया मेरे को। मुझको लगा कि इस वाले गेम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मतलब मैं कहा चलो कुछ ना कुछ तो करेंगे यार, अभी हार नहीं मानेगा इतना जल्दी, इतना ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। फाइनली यहाँ पे इतना सही हेडशॉट लगा ना कि मतलब ऐसे दिल में तसल्ली हुई कि चलो भाई यार बच गया बाल बाल। तो गाइस ऐसा सीन होता है जब आप कोई सा चैलेंज करते हो तो मरने का चांस इतना ज़्यादा रहता है। सबसे पहले दिक्कत तो ये है कि उस वाली गन को ढूंढो जिसका आपको चैलेंज करना। ऊपर से जब बंदे आ जाते हैं ना ऐसे हेडशॉट मारने वाले या फिर पीछे थर्ड पार्टी वाले, तो बड़ा गुस्सा आता है। बंदा एक और आने वाला है इधर, मेरे को उसका फुटप्रिंट्स आ रहे हैं चाहे थे, तो मैं सबसे पहले लूट लेता हूँ। मेरे पास ग्लू होल तो है, लेकिन बंदा मैं पीटने लगा। तो गाइस मैं सोच रहा था ये कि यहाँ से गया काम से इसको नहीं मार पाऊँगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिम्मत जुटाई एंड बंदे को मारेंगे ज़रूर ज़रूर। तो बंदा भी काफ़ी प्रो प्लेयर लग रहा था एंड चलो ग्लू होल सही टाइम पे लग गया, वरना बस मैं तो भाल भाल मतलब बच गया एंड बंदे को एक हेड लगा एंड बंदा ख़त्म। तो मतलब सीन ये रहा कि मेरे पास ग्लू होल भी काफ़ी सारे हो गए एंड मेरे को मतलब लग रहा है कि मैं शायद ये वाला चैलेंज कम्प्लीट कर लूँगा, कि मेरे को टॉप 10 में ना एंड दो बंदे एयर ड्रॉप मंगा रहे हैं, तो वहाँ से चलते सीधा बंदों के पास। तो यहाँ से देखोगा एक बंदा एयर ड्रॉप मतलब मंगा रहा है मेरे सामने, तो वैसे उसको मारना का कंपलसरी है। तो 4 किल हो चुके हैं एंड टॉप 10 में आने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से टॉप 10 में तो गाइस आ जाऊँगा एंड अपना चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस इसके अलावा आपको चैलेंज लग रहा है कि आपको भुया करना है कुछ भी करना, तो किससे भी टफेस्ट चैलेंज आप मतलब चैलेंज दे सकते हो। तो गाइस बंदा प्रो बन रहा है, देखो गाइस घास पर पेन लिया, मतलब ये किस बंदे का प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स देख के आया, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि किस बंदे का देख के आया होगा यार? मेरे ख्याल से कोई जो ग्लोबल प्लेयर होगा उसी का देख के आया होगा, कोई आपको रशर प्लेयर तो ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स देखा नहीं कि आप कहीं पर ऐसा ड्रॉप मंगाओ वहाँ से झाड़ी निकालो एंड लुक के बैठ जाओ। कोई मतलब ग्लोबल वाला बंदा ही होगा एक इसको 45 का हेड एंड बाकी मतलब एक उसको बड़ी दिक्कत यही चीज़ है, लेकिन कहीं पे फाइट करोगे तो थर्ड पार्टी वाले बंदे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी टॉप 10 में नहीं आया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से निकल जाऊँ। सबसे बेस्ट चीज़ ये रहेगा मेरे लिए, तो पढ़ने वाले बहुत गंदी वाली ये साइड देखो। अच्छा वह पेन था पीछे, इसलिए बाल बाल बच गया, लेकिन बंदे लोग कहाँ सुधरने वाले भाई, रशर पर ले रहे सबके सब यार। देखो बंदा रश कर रहा, ग्लू होल बहुत सारे हैं तो यूज़ करना पड़ता है, बंदे के मुंह से सामने से निकल जाता हूँ। एंड मेरे ख्याल से यहाँ से निकलना सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अभी टॉप 10 में आए नहीं है भाई। इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि मेरे को टॉप 10 में आना था, चैलेंज कंप्लीट करना ही करना है। तो यहाँ से मैं बैठ जाता हूँ, तो
अभी मतलब 11 आया, तो मेरे को टॉप 10 में तो 100% आना अपना चैनल, अपना चैलेंज कंप्लीट करने के लिए। तो टॉप 10 में आने के बाद ही फाइट लूँगा, एटलीस्ट सबसे कम ये वाला वीडियो तो सक्सेस होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले 20 गेम खेल चुका हूँ जिसमें मैं टॉप 10 में नहीं आ पाया था, जिसमें आया था उसमें कुछ और सीन हो गया था। तो भाई मतलब क्या पता, चलो गाइज फाइनली टॉप 10 में आ चुके हैं, तो अपना चैलेंज हो चुका गाइज कंप्लीट। ठीक है, जैसा प्रॉमिस किया था कि MP40 सर टॉप 10 में आऊँगा, तो गाइज आ चुका हूँ टॉप 10 के अंदर। कैसा लगा वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर से ज़रूर आया होगा, मेरे ख्याल से ज़रूर आया होगा। एंड आपको चैलेंज कर देना यार कि आपको और किस टाइप के चैलेंज वीडियो चाहिए, एंड आपको लग रहा है कि ये सीरीज़ उतनी सक्सेस नहीं है तो आप वो भी मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो कि यू भाई हमको ये सीरीज़ देखना पसंद बिल्कुल भी नहीं है, तो आप वो भी कर सकते हो। आपका ओपिनियन है, आपका चैनल है, आपका कंटेंट है, ठीक है, मैं केवल क्रिएटर हूँ, आप जो बोलोगे बस वो एंड इसके अलावा मैं आज और कुछ नहीं कर सकता। आपका चैनल है, आप बताओगे कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना, ठीक है, मैं केवल क्रिएटर हूँ, आपको हर टाइप की वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो यार, ठीक है। तो यहाँ पे बंदा मैंने और को टॉप 9 में है, तो बंदा मेरे को देखो गाइस पीछे से, ए मेरे को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, थर्ड पार्टी वाले बंदे में गाइस मेरे को 1% भी पसंद नहीं है, 1% बोलते हो तो आप 1% भी, क्योंकि गाइस अभी देखो हेल्थ लगाने का टाइम नहीं, बंदा मेरे पीछे से, बंदे से फाइट ले रहा हूँ, बंदा मेरे पीछे पड़ा है, लेकिन यार नहीं बंदा आ गया, मेरे को मेडिक इतनी नहीं लगाने दे रहा, इसको मैं मोमेंट के थ्रू इधर उधर जा कर रख सकता हूँ, लेकिन मेरे को मेडिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को सबसे ज़्यादा इसको यदि ख़त्म करना, मेरे को मेडिकेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो बंदा मेरे को इजीली ख़त्म कर देगा, ठीक है। चलो इसके अंदर घुस जाते हैं, तो गाइस यहाँ पे मैं सबसे बड़ी गलती ये कर रहा हूँ कि मैंने इस वाले खिड़की को खुला छोड़ दिया, ठीक है। तो मैं सोच रहा कि खिड़की में से वो ग्रेनेड मेरे को पता था डालेगा, लेकिन मेरे को लग रहा पहला आया नहीं, तो मैं सोचा इसको ऊपर चढ़ के निकल जाऊँगा, लेकिन मैंने क्लच कर दिया, मैंने ग्रेनेड को ऊपर बैठ गया, तो ये गाइस ख़त्म। तो आई होप आपको चैलेंजेस पसंद आया होंगे, एंड गाइस मिलता हूँ इसी तरह बिल्कुल न्यू वीडियो से, तब तक के लिए लव यू एंड गाइस बाय बाय। नेक्स्ट वाला चैलेंज है किस टॉपिक पे होने के, मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो।